खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अलग अलग सियासी दल किस तरह चुनावों की तैयारियों में लगे हुए हैं, अपने अपने कैंपेन्स को धार दे रहे हैं, साथ ही साथ गठबंधन भी चुनाव से पहले के अलायंसेस भी फाइनल करने में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, ममता बनर्जी, मायावती। सवाल यह है कि 2019 कौन जीतेगा, किसको मिलेगी कमान। सभी कयासों पर आज विराम लगेगा। शाम 5 बजे चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। मेरे साथ स्टूडियो में मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा यहां पर मौजूद हैं। पंकज, कहा जा सकता है कि इस साल की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट आज शाम 5 बजे हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। और कल ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि आज किसी भी वक्त चुनाव के तारीखों का, यानी आम चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है। पिछली बार 9 चरणों में चुनाव हुए थे लोकसभा के, 7 अप्रैल से लेकर के 12 मई तक चुनाव हुए थे। इस बार देखना पड़ेगा कि आखिर कितने चरणों में चुनाव होते हैं लोकसभा के, चूंकि जम्मू कश्मीर में पैरामिलिट्री फोर्स का एक बड़ा हिस्सा वहां पर लॉ एंड ऑर्डर से लेकर दूसरे कामों में लगा हुआ है। शाम 5 बजे तक का इंतजार करना चाहिए। दूसरी पार्टियां जो हैं तमाम, वो भी इलेक्शन मोड में आ गई हैं। किस पार्टी का किसके साथ गठबंधन होगा, एक दो राज्यों को छोड़कर देख लें तो सारी फॉर्मूले तैयार हैं और सबकी नज़र होगी इस बार भी यूपी से, जहाँ यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। बिल्कुल, यूपी पे सबकी नजर रहेगी। और बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बात करें तो उनकी पहली लिस्ट भी आ गई है। जी हाँ, कांग्रेस के 15 उम्मीदवारों की, जिसमें से 11 उम्मीदवार जो हैं, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। ये इस बात की चर्चा थी कि प्रियंका गांधी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं और वो कांग्रेस की महासचिव बनाई गई, पूर्वांचल का प्रभार दिया गया, तो क्या इस बार सोनिया के बदले में प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन उस पर भी विराम लग गया है, सोनिया ही इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। उम्मीद की जा रही है कि आज भी कुछ पार्टियों के उम्मीदवारों की लिस्ट आ जाएगी। बीजेपी ने भी कवायद शुरू कर दी है कि किसका टिकट कटेगा, किसका टिकट बचेगा। तो सारी पार्टियां इलेक्शन मोड में आ गई हैं और आज के बाद से तो समझिए चुनाव के अलावा और कोई चर्चा देश में फिलहाल तो नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, तो आज हो जाएगा तारीखों का ऐलान, तमाम जो आरोप चुनाव आयोग पर आपकी पार्टी की तरफ से लगाए गए उन सभी कयासों और आरोपों पर उम्मीद करते हैं कि विराम लग जाएगा। देखिए, कोई आरोप अनायास नहीं लगाता है चुनाव आयोग पर, सबको आस्था और विश्वास है। चुनाव आयोग हमारे देश का बहुत हद तक निष्पक्ष और बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसी हरकतें बीजेपी के तरफ से लोग करते हैं, जैसे कई बार लोगों ने स्वयं डेटों की अनाउंसमेंट किया तो कभी कभी लोग उससे चर्चा कर देते हैं। और रणभेरी बच चुकी है, पवित्र लोकतंत्र का पवित्र त्यौहार आ गया है लोकतंत्र का। और महत्वपूर्ण बात यह है, जो चुनाव आयोग ने कल एक जो सर्कुलर जारी किया है कि बीजेपी के लोग मोदी जी जो किस प्रकार से शहीदों और सेना के लोगों का मिसयूज कर रहे हैं राजनीतिक पोस्टर होर्डिंग और बैनर्स लगा करके, और उससे बड़ी बात अखिलेश जी, काफी दुखदायक है, सेना को कंप्लेंट करना पड़ा। सेना को ये सेना की तरफ से लेटर गया कि उसके अखिलेश जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं कभी कभी आप बहुत बड़ा बीजेपी के मुंह पे तमाचा है और इसका सख्ती से पालन होना चाहिए। आज भी हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोगों की होर्डिंगें लगी हुई हैं, सोशल मीडिया पर जो आ रहा है कि दिल्ली में भी होर्डिंगें लगी हुई हैं। अखिलेश जी एक मिनट रुकिए, अखिलेश जी मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा यहाँ मेरे साथ स्टूडियो में, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अखिलेश जी, आपको नहीं लगता कि कभी आवाज कट के आ रही है प्लीज? हेलो, हाँ आवाज मिल रही है? हेलो चलिए अखिलेश जी से हम फिर से संपर्क करेंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को फिर से दे दें, आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा जिसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, चुनाव आयोग आज शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। पंकज मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं। पंकज देखिए, जो हम बार बार चर्चा कर रहे हैं ना कि कितने चरणों में इसका चुनाव होगा, किस राज्य में किस तारीख को चुनाव होंगे, अब इन सब चीज़ों के बारे में चुनाव आयोग शाम 5 बजे में बताएगा। और एक बड़ी दिक्कत जो ये है कि चूंकि जैसा हम बार बार कह रहे हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के अधिकतर जवान जो हैं, एक बड़ा हिस्सा जो कह रहे हैं इस फोर्स का, वो जम्मू कश्मीर में है, तो कैसे चुनाव कराए जाएंगे? पिछली बार 9 चरणों में चुनाव हुए, इस बार वक्त भी कम है
और कैसे कितनी जगह पे चुनाव कराने हैं, इस सारे फैसले आज ले जाएंगे और लिया जा चुका है, क्योंकि कल ही इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि आज किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। और देखिए, जैसे गठबंधनों का स्वरूप अगर हम राजनीति की बात करें तो यूपी में ही देखें तो सपा और बसपा का गठबंधन तैयार है। बिहार में भी स्वरूप बदला हुआ है, इस बार बीजेपी जो है वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में भी गठबंधन तैयार है, एनसीपी और कांग्रेस का भी गठबंधन बीजेपी और शिवसेना के मुकाबले में है। तो बहुत कुछ तैयारी हो चुकी है, उम्मीदवारों पर भी काम सभी पार्टियां कर रही हैं, तो बिल्कुल चुनावी मोड में सारी पार्टियां आ चुकी हैं। जी, बात राज्यों को लेकर भी होगी। पंकज, आपसे मैं बात करूंगी। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, तो आज शाम 5 बजे हो जाएगा ऐलान? जी, लेकिन कयास बार बार लगा रहे थे कि मार्च के पहले हफ्ते में हो जाएगा ऐलान। उसके बाद चुनाव आयोग पर विपक्षी तरफ से सवाल उठाए गए कि क्यों देरी की गई ऐलान में, और आज शाम 5 बजे इन सभी कयासों पर विराम लगने वाला है। देखिए, विपक्ष के सर्वोच्च न्यायालय पर आशंका है, उसको इस देश की सेना पर आशंका है, उसको निर्वाचन आयोग पर आशंका है, उसको संसद के कार्यप्रणाली पर आशंका है, सारे संवैधानिक संस्थानों पर आशंका है, और आरोप लगाना उसका जो है अपना एकमात्र दायित्व समझता है। तो विपक्ष को कम से कम संवैधानिक संस्थाओं की अवमानना की अपने अभ्यास से मुक्त होना चाहिए। मेरे सहयोगी पंकज यहाँ पर मौजूद है, पंकज झा, वो भी आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। प्रेम जी, एक तरीके से लग रहा था ना कि प्रधानमंत्री बिल्कुल ताबड़तोड़ मोड में है। यूपी में एक ही दिन 3-3 रैलियां हो रही हैं, तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री बहुत जल्दबाजी में है इन सब स्कीम्स को करने के लिए, और ये सब जब खत्म हो जाएगा सिलसिला तब चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ये विपक्ष का आरोप है, इस तरीके की छवि बन रही थी। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तो पूर्व निर्धारित हुआ करते हैं, तो किसी भी प्रधानमंत्री आप 2009, 2004 इस तरह के जितने भी चुनाव हैं उसके पहले के आप प्रधानमंत्री कार्यक्रम और निर्वाचन की तिथियां दोनों में देख लीजिए आप, तो ऐसी स्थिति में तो क्या हर बार के चुनाव जो है वो सत्तारूढ़ दल ने क्या निर्वाचन आयोग पर दबाव डलवा के बनवाएंगे? आपका आरोप है। मुझे लगता है कि इस तरह की निरर्थक आरोपों के बजाय जो सकारात्मक मुद्दे हैं उस पर चर्चा करना चाहिए। विपक्ष को जो राजनीति में जो उनके अपने उपलब्धियां हैं या उनकी जो स्वयं का उनके उनका उनकी जो योजनाएं हैं उस पर बात करनी चाहिए। आप संवैधानिक संस्थानों पर प्रश्न खड़ा करके लोकतंत्र का कोई कल्याण नहीं करने वाले हैं। प्रेम जी, एक और सवाल ये था कि कल जो चुनाव आयोग का एक निर्देश आया कि सैनिकों का जिस तरीके से उनकी छवि का उनसे जुड़े हुए चीज़ों का इस्तेमाल चुनावी प्रचार के लिए ना किया जाए, और आपने खुद देखा आपकी पार्टी के कई नेता इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तरीके से गलत परंपरा भी तो है ये। देखिए, निर्वाचन आयोग को एक तरफ तो आप कहते हैं पक्षपाती सरकार के दबाव में चल रहा है, और दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग जब इस तरह की गाइडलाइंस या एडवाइजरीज इश्यू करता है तब तो उसकी निष्पक्षता और प्रखरता से हो जाती है। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते इस बात को? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम शुक्ला एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 6 से 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की विज्ञान भवन में दिल्ली के, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें हो जाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। दोपहर के 12 बज रहे हैं और बस 5 घंटों का इंतजार और हो जाएगा 2019 के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि 6 से 7 चरणों में चुनाव किए जाएंगे। शाम 5 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा जिसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। 6 से 7 चरणों में हो सकते हैं लोकसभा के चुनाव। आज रविवार का दिन चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शाम 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 2019 के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, बस 4 घंटे 57 मिनट और बाकी और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब शुरू होंगे, कब संपन्न होंगे, एक एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। आज शाम 5 बजे चुनाव की तारीख आने वाली है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर देगा। 7 से 8 चरणों में ये चुनाव हो सकता है और 3 जून को खत्म हो रहा है लोकसभा का कार्यकाल। आंध्र, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल जैसे 5 राज्य में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 2014 में 7 अप्रैल से 12 मई के बीच हुआ था मतदान।
अब कयास से लगाए जा रहे हैं कि 7 से 8 चरणों में 2019 के चुनाव कराए जाएंगे। आज शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और लगातार ये टाइमर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बस 4 घंटे 57 मिनट और बाकी। और 2014 के नतीजों का हिसाब किताब भी आप समझ लीजिए, 20 राज्यों में तो कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला था, 13 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश जहां कांग्रेस 0 पर थी सूपड़ा साफ हो गया था, और 10 राज्यों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। मोदी लहर चल रही थी उस वक्त देश में और दो बड़े दल बीएसपी और डीएमके का खाता भी नहीं खुला था, लोकसभा में एक भी सीट नहीं मिली थी। और अब 2019 चुनाव के मुहाने पर खड़ा है देश, बस 4 घंटे 56 मिनट 23 सेकंड और बाकी। देखिए वक्त कम होता ही जा रहा है, शाम 5 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और तारीखों का ऐलान लोकसभा चुनाव के लिए आज शाम हो जाएगा। तो आज होने वाला है चुनाव का ऐलान, लेकिन देश के सामने सबसे बड़ा सवाल, किसको मिलेगी कमान? क्या मोदी दोबारा सत्ता में आएंगे या राहुल की लॉटरी लगेगी? और अगर ये दोनों बहुमत से पहले ठहर जाते हैं तो क्या ममता या मायावती को मौका मिल सकता है? पश्चिम बंगाल की सीएम ममता मोदी विरोधियों को एक मंच पर ला चुकी हैं, तो अखिलेश से गठबंधन करके मायावती ने बड़ा दांव खेला है, लेकिन जनता किसे मौका देगी? वोटिंग की तारीख से लेकर नतीजों तक एबीपी न्यूज एक एक अपडेट, एक एक खबर, एक एक हलचल आपको दिखाएगा। आज चुनाव की तारीखों का ऐलान है और उससे पहले सभी चुनावी दल तैयारियों में लगे हुए हैं और सबसे ज्यादा निगाहें अगर कहीं टिकी हुई हैं तो वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं, जहां से 80 लोकसभा सीटें हैं, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, और उससे पहले सबकी निगाहें इस बात पर कि यूपी में सबसे ज्यादा सीटें कौन जीतेगा, क्योंकि वही दिल्ली को भी फतेह करेगा। एबीपी न्यूज संवाददाता रणवीर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। रणवीर, जैसा कि हमने बताया कि सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से, क्या हलचल है इस वक्त? जी अमांद्रा, जाहिर है 80 सीटों वाली लोकसभा में जिस तरह से बीजेपी और गठबंधन को 73 सीटें मिल गई थी और अकेले बीजेपी 71 पे आई थी, तो इस बार सभी दल जो है यूपी में अपना जोर लगा रहे हैं। एक तरफ बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 75 सीटें हासिल करने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं इस बार गठबंधन बनाकर असंभव को संभव करने वाली समाजवादी पार्टी और बसपा बड़ी ताकत बनने की एक कोशिश में लगी है। वहीं कांग्रेस पार्टी जो बिल्कुल एक तरह से खत्म हो चुकी थी, सिर्फ 2 सीटें आई थी, वो भी सोनिया और राहुल गांधी की, तो ऐसे में इस बार एक नया दांव चला गया है। प्रियंका गांधी को पहली बार राजनीति में लाया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को वेस्टर्न यूपी और प्रियंका को जिस तरह से ईस्टर्न यूपी की कमान दी गई है, तो सभी नेता अपने अपने जितने भी कोशिश इन नेताओं की हो सकती है, पार्टियों की हो सकती है, वो की जा रही है। और सबकी निगाहें इसलिए भी इस बार यूपी पर हैं क्योंकि जिस तरह से मोदी 2014 में आए थे उसमें सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की थी, जहां अकेले बीजेपी 71 और अपना दल के साथ मिलाकर 73 सीटें बीजेपी और एनडीए जीतने में सफल हुए थे। तो इस बार कोशिश है कि बीजेपी को रोका जाए यूपी में, क्योंकि अगर यूपी में बीजेपी को रोका जाता है और गठबंधन और कांग्रेस कुछ सीटें लेके आते हैं तो ऐसे में उनको फायदा हो सकता है। जी रणवीर, मैं पंकज बोल रहा हूं, आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, सपा बसपा गठबंधन भी तय है, बीजेपी के अपने सहयोगी दलों से गठबंधन को लेकर सीटों पर पेंच फंसा हुआ, कब तक ये सब सुलझेगा और कब तक उम्मीदवारों की लिस्ट आ सकती है? देखिए, एक चीज़ साफ है कि बीजेपी इस बार गठबंधन बनाने में बहुत सफल नहीं हो पाई है क्योंकि अपना दल भी नाराज बताया जा रहा है और ओम प्रकाश राजभर जो इस बार एनडीए का पार्ट थे वो लगातार नाराज चल रहे हैं। आज दोपहर में 1 बजे ओम प्रकाश राजभर अपने घर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, इसलिए एक तरह से बीजेपी पशुपेश में भी है कि गठबंधन बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसको लेकर एक कन्फ्यूजन है। लेकिन जाहिर है बीजेपी एक ताकतवर पार्टी है और वो ये साबित करना चाह रही है कि गठबंधन हो या ना हो वो कहीं से कमजोर नहीं, और यही वजह है 75 सीटें इस बार जीतने का दावा कर रहे हैं, कुछ लोग तो 80 भी कह रहे हैं। खैर, लेकिन अभी भी बीजेपी की कोशिश है कि जो छोटे दल हैं और क्षेत्रीय दल हैं, जातीय के आधार पर वो अपनी राजनीति करते हैं, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी अपना दल और ओम प्रकाश राजभर हैं, दोनों को मिलाकर ही लड़ा जाए, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बार आप समाजवादी पार्टी दफ्तर में हैं, देखिए वहां अखिलेश यादव कुछ कहना चाहते हैं तो आप वहां पहुंचिए। जी जी
अमांद्रा, सबसे दिलचस्प जो जिसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं ना, पिछली बार 16 मई को नतीजे आए थे, यानी वोटों की गिनती हुई थी, वो तारीख सबसे अहम होगी। कितने चरणों में चुनाव होंगे, कब होंगे, वो तो अलग बात है, लेकिन इस बार नतीजे कब आएंगे, क्योंकि उन्हीं नतीजों से पता चलेगा कि आखिर सरकार किसकी होगी।